गुरुग्राम में 19 नवंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विकास रैली की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस रैली के दौरान एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, जिसके लिए जगह निश्चित की गई है। इस संबंध में जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक आज गुरुग्राम के सुल्तानपुर रैली स्थल पर पहुंची और इसका जायजा भी लिया। जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो और अपनी टीम के साथ इस मौके पर पहुंचे। गुरुग्राम के सुल्तानपुर में होने वाली इस रैली को लेकर रविवार को भी कई बड़े अधिकारियों ने रैली स्थल का दौरा किया और मौके पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं इस दौरान ये भी निश्चित किया गया कि इस रैली में एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, जिसमें हरियाणा सरकार के 4 सालों में किए गए विकास कार्यों को दर्शाया जाएगा। वहीं इस एग्जीबिशन में एक मैप भी लगाया जाएगा, जिसमें के एमपी के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। वहीं इस एग्जीबिशन का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी करेंगे। गुरुग्राम में होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री के एमपी के उद्घाटन के साथ करीब 12 परियोजनाओं को और हरी झंडी दिखाएंगे। जो परियोजनाएं हरियाणा में सरकार के द्वारा की गई हैं या की जानी हैं। वहीं इस संबंध में अभी रैली स्थल पर सफाई पूरी तरह से की जा रही है, जिसमें पार्किंग और लोगों की सहूलियत के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से रैली स्थल पर पहुंच सके और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं इस एग्जीबिशन से लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि सरकार ने ये जो योजनाएं शुरू की हैं, सभी योजनाओं का लोग किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो ये आगामी 19 तारीख को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर केएमपी का उद्घाटन सुल्तानपुर में निश्चित हुआ है। इसके चलते ही डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन श्री समीर पाल सरो जी यहाँ आज मौके पर आए और रैली स्थल का उन्होंने जायजा लिया। इस रैली पे 19 तारीख को जितनी सरकार की 4 साल की अचीवमेंट्स हैं उसको दर्शाया जाएगा। एक एग्जीबिशन रखी गई है, जिसके अंदर केएमपी का मॉडल भी समझाया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, और अन्य जितनी विकास कार्य हो रहे हैं सरकार के द्वारा राज्य में, उनकी एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी। और